प्राइज पुलिस ने चार शातिर अंतरजनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके पास से पुलिस ने चोरी की एक 18 चक्का ट्रक, एक 12 चक्का ट्रक, दो बुलेरो, एक मारुति सुजुकी अल्टो कार बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस लाइन के सभागार में घटना का सनसनीखेज खुलासा करते हुए DIG व SSP जोगिंदर कुमार ने बताया कि प्राइज पुलिस और स्वाट टीम ने क्षेत्र के कोनी तिराहा पेट्रोल पंप के पास से चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान जितेंद्र कुमार उपाध्याय पुत्र गिरीश मुनि उपाध्याय निवासी बिलवा बुजुर्ग थाना अहिरौली जनपद कुशीनगर, राजन गौड़ पुत्र फकीर गौड़ निवासी ग्राम बरसेना नंबर 2 थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर, अरविंद कुमार मल पुत्र हरेंद्र मल निवासी ग्राम बरसेना नंबर 2 थाना अहिरौली बाजार तथा रमेश पुत्र जयंती प्रसाद निवासी केवटली थाना पिपराय जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। SSP जोगेंद्र कुमार ने बताया कि वाहन चोरों का गिरोह चोरी करके वाहनों की गाड़ियों को पेंट व से रंगाकर उसके रूप को बदलकर बेचते थे तथा इस्तेमाल भी करते थे। SSP जोगेंद्र कुमार ने बताया कि इस गिरोह में कुछ सदस्य बिहार के भी शामिल हैं, जिनके मिली भगत से यह गिरोह इस तरह की घटना को अंजाम देते थे। गिरफ्तार करने वाली टीम में पिपराइज थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्रा, स्वाट टीम उप निरीक्षक सादिक परवेज, चंद्रभान पवन कुमार प्रधान, हरिराम सिंह यादव, पिपराइज उदय शंकर द्विवेदी, अनिल कुमार राय, कांस्टेबल सिद्धार्थ पंकज, सतेंद्र यादव, स्वाट टीम हेड कांस्टेबल शशिकांत, प्रदीप राय, राशिद खान, दीपेंद्र मल, धीरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र तिवारी, कुतुबुद्दीन, राकेश यादव, अरुण यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DIG व SSP जोगिंदर कुमार ने कहा, साल की शुरुआत काफी बड़े पैसे से हुई है, ये अंतर्राज्यीय एक गिरोह है चोरों का, जो वाहन चोरी करते हैं। जनपद में पिछले कुछ समय से एक दो घटनाएं हुई थी, उसके लिए हम लोगों की टीमें लगी हुई थी, हमारी क्राइम ब्रांच और सर्वलांस सेल, और इसके अलावा हमारी टीम गगा SHO की और SO पिपराइज की भी टीम लगी हुई थी। जनपद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें लगभग 5 बड़ी गाड़ियाँ बरामद की गई है, जिसमें 2 ट्रक है इन चोरों से जो बरामदगी हुई है, एक 18 चक्का और एक 12 चक्का बड़ी ट्रक्स बरामद हुई है, जिसमें से एक बिहार से चोरी की गई है और एक जो है मेरठ जनपद से चोरी हुई है, उत्तर प्रदेश से। 2 गाड़ियां बोलेरो बरामद हुई है, जिसमें से एक पिपराइज थाने से चोरी हुई थी अभी हाल ही में, और एक बोलेरो जो है गगा से चोरी हुई थी हाल ही में। इन्होंने जो घटना में प्रयुक्त की ऑल्टो गाड़ी, वो भी बरामद की गई है। 5 बड़ी गाड़ियाँ इस तरह से बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 60 से 70 लाख रुपए होगी मार्केट में। ये लोग चारों लोग जनपद 3 इसमें से कुशीनगर के रहने वाले हैं, एक गोरखपुर का रहने वाला है, इसके अलावा भी कुछ लोग इनके साथ शामिल है जो हम वांटेड कर रहे हैं। ये बिहार में उत्तर प्रदेश से चोरी करके बिहार में गाड़ियां बेच देते थे और बिहार से गाड़ियां चोरी करके उत्तर प्रदेश में बेचने का धंधा कर रहे थे। इन लोगों से और भी पूछताछ जारी है, कुछ और चीज़ें और वाहन मिलने की भी उम्मीद है। इसके अतिरिक्त जो भी गिरोह इस तरीके के काम कर रहे हैं वाहन चोरों का, उस पर हमारी जनपद की टीम लगी हुई है, और आने वाले समय में हम लोग और कुछ बरामदगी करेंगे जो चोरियां गाड़ी हुई है। इसमें हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे इनके विरुद्ध, और गैंग पंजीकरण कराएंगे। चोरी का जो वाहन चोरी का इंटर स्टेट गैंग होता है, वो हम पंजीकृत करवाएंगे जनपद गोरखपुर में, ताकि आने वाले समय में इन लोगों का हमेशा के लिए रिकॉर्ड रखा जा सके। इनकी हिस्ट्री शीट भी हम खुलवाएंगे, इनके क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम देखेंगे कितनी, इसके अलावा इन्होंने क्राइम किया इससे पहले। क्राइम करने के बाद जनरली इनका नाम नहीं आता था, और जनरली वाहन चोरी के बाद व्यक्ति जो है उसका इंश्योरेंस ले लेता है और वाहन चोरी को भूल जाता है, इसलिए जो है इनको वांटेड करके, और अब हम लोग गैंग पंजीकरण और गैंगस्टर की कार्रवाई भी इनके विरुद्ध करेंगे, ताकि ये पुलिस के आपराधिक रिकॉर्ड में हमेशा के लिए शामिल हो जाए।
इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। मोडस ऑपरेंडी में जैसा मैंने बताया कि बिहार की गाड़ियां यहां लाके चोरी बेच देते थे ताकि बिहार के लोग जनरली बॉर्डर पास करके न तो पुलिस आती है न ही और लोग आ पाते हैं यहां तक, और उत्तर प्रदेश की गाड़ियां चोरी करके बिहार और अन्य राज्यों में बेच देते थे। ये गाड़ियां जो पुरानी होती थी उसको काट करके पुर्जों में बिचवाते थे और नॉर्मल ये यूं की यूं गाड़ी बेच देते थे पूरी पूरी, जिसमें फर्जी नंबर प्लेट लगा लेते थे। हम लोग इसमें जो नंबर प्लेट्स की भी जांच कर रहे हैं, इनकी गाड़ियों जो ट्रक्स बरामद हुए हैं उसके आधार पर अगर ऐसा कोई फर्जी नंबर प्लेट का मामला सामने आता है तो हम लोग 467-68 की भी धाराएं इनके विरुद्ध लगाएंगे। हाँ, जो खरीददार है उनके बारे में हम पता कर रहे हैं, जो भी चोरी का वाहन चाहे बेच खरीददार भी उसका मुलजिम है और आपराधिक कृत्य में शामिल है तो उसके विरुद्ध भी उसी तरह से कार्रवाई करेंगे। हमने इसमें जो धाराएं लगाई है 441, 413, 414, 467, 468, 471 थाना पेपराइच में लगाई गई है और ये जनपद पुलिस की बड़ी उपलब्धि है जिसमें लगभग 60 से 70 लाख की गाड़ियां बरामद हुई है और आने वाले समय में हम लोग और भी हमारी टीम लगी हुई है, कुछ और बरामदगी होने की भी संभावना है।